यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो रिलेशन हम लोग देखे हैं सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसका कैसे वेरीफाई करेंगे एक न्यूमेरिकल के द्वारा। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं उसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखेंगे। जीरो जब फाइंड हो जाता है तो उसके बाद फिर रिलेशन को वेरीफाई कैसे करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, उसको गौर से देखेंगे। क्वेश्चन है ऑब्टेन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर रूट थ्री एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, अब सबसे पहले यहां जो इक्वेशन दिया हुआ है, पॉलीनोमियल दिया है, उस पॉलीनोमियल को हम लोग देखेंगे। तो पॉलीनोमियल है रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर रूट थ्री। इसको सबसे पहले हम लोग इसमें से जीरो फाइंड करने के, जीरो फाइंड करने का तरीका क्या है, जीरो फाइंड करने का तरीका है कि इसको फैक्टराइज कर लेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, फैक्टराइज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद एक्स का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर गौर से देखेंगे तो रूट थ्री इंटू थ्री थ्री आ जाएगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व हो गया। ट्वेल्व का हम लोग फैक्टर करेंगे तो सिक्स और टू ला सकते हैं, सिक्स और टू माइनस सिक्स को माइनस टू करेंगे तो आ जाएगा रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स, माइनस एट एक्स आ जाएगा प्लस फोर रूट थ्री है। इसमें से कॉमन क्या होगा, कॉमन लगा रूट थ्री एक्स कॉमन ले सकते हैं तो सिर्फ एक्स आ जाएगा, माइनस सिक्स है, सिक्स को हम लिख सकते हैं टू इंटू थ्री, टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री। सपोज कीजिए इसमें से रूट थ्री हम कॉमन ले लिए, ये बड़ा पार्ट कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा, टू रूट थ्री, तो यहाँ आ जाएगा टू रूट थ्री, एक्स कॉमन ले ही लिए हैं। इसके बाद इस दोनों में देखेंगे तो सिर्फ टू कॉमन है, माइनस टू और फोर में क्या कॉमन है, माइनस टू कॉमन है, एक्स बच जाएगा, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, टू टू या फोर टू आ गया, यहाँ रूट थ्री है इज इक्वल टू जीरो मान। तो ये रूट थ्री एक्स, रूट थ्री एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। गौर से देखेंगे रूट थ्री एक्स, रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू बाय रूट थ्री, एक जीरो ये आ गया, यही जीरो है, एक्स का वैल्यू ही जीरो है, एक्स का वैल्यू ही जीरो है, ये आ गया टू बाय रूट थ्री। यहाँ पर यदि गौर से देखें एक्स इक्वल टू टू रूट थ्री, एक्स इक्वल टू टू रूट थ्री, तो टू रूट थ्री यानी दो जीरो आ गया, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का दो जीरो आ गया, तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया कि टू रूट थ्री एक जीरो और सेकेंड जीरो आ गया टू रूट थ्री, टू बाय रूट थ्री। अब इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए गौर से देखेंगे, वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले यहाँ लिख देंगे वेरीफिकेशन। वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो जीरो निकला है उसका सम करते हैं, फिर फॉर्मूला पर देखते हैं क्या दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो सम करेंगे हम, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो हो जाएगा, गौर से देखें यह है टू बाय रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री, इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो यह आ जाएगा, यहाँ पर देखिए रूट थ्री एलसीएम आ गया, ऊपर में टू प्लस सिक्स आ जाएगा, गौर से देखें वन से रूट थ्री और रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू एट, एट बाय रूट थ्री, टू बाय रूट थ्री टू रूट थ्री, टू बाय रूट थ्री टू रूट थ्री, रूट थ्री एलसीएम हो गया, यहाँ टू आ गया, प्लस का साइन दे दिए, वन से डिवाइड किए रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री थ्री टू जा सिक्स, एट बाय रूट थ्री सम आ गया। इसको हम लोग देखेंगे सम ऑफ जीरो को लिखते हैं, सम ऑफ जीरो को गौर से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हम लोग पढ़े हैं माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़े हैं माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, गौर से देखें कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर एट है, माइनस और माइनस, ये माइनस और यहाँ का माइनस को गौर से देखें तो ये प्लस हो जाएगा एट, अब बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है रूट थ्री, रूट थ्री
अब गौर से देखें, यहाँ सम ऑफ जीरो आ गया 8/3, फॉर्मूला पर देखे हैं तो वो भी आ गया 8/3, यानी अब वेरीफाई हो गया। इसको यहाँ लिख सकते हैं वेरीफाइड, और नहीं तो प्रोडक्ट करके भी आप निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट कर लीजिए, एक ही साथ लिख लेंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में गौर से देखें, एक एक जीरो जो है कितना है 2/3, यहाँ पर 2/3, यहाँ देखें एक जीरो है 2/3, लिख दिए 2/3 इनटू दूसरा जीरो है 2√3 कैंसिल, ये आ गया 4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए गौर से, या 4 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। इससे पहले देखें सी का मतलब क्या है, कॉफिशियंट कॉन्स्टेंट टर्म बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर 4√3, कितना है 4√3 बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को गौर से देखें तो यहाँ है 3, क्या है 3 कैंसिल कर लेंगे 4 बचेगा। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4 आया था और फॉर्मूला पर भी 4 आ गया, यानी यह वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया? वेरीफाइड। इस तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है, यदि आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ रहेगा, रिलेशन निकालना होगा, वेरीफाई करना होगा, तो आप कर सकते हैं। यदि एक जीरो भी दिया हुआ रहे, कोई कॉन्स्टेंट टर्म वगैरह फाइंड करना हो, तो इसी तरह से आप उस पर वैल्यू एक्स का एक्स के जगह पर वैल्यू रख देंगे और जो उसमें अननोन चीज होगा उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और हम लोग देखेंगे इसमें, इसको मिटा देते हैं, मिटा दें आराम से। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसको मिटा करके एक न्यूमेरिकल देख लें। इसमें है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज़ जीरो, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज़ जीरो आर टू एंड माइनस सिक्स। वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन, द कोफिशिएंट रिलेशन, कोफिशिएंट एंड देयर जीरो। क्वेश्चन को फिर से दोबारा देख लें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर टू एंड माइनस सिक्स, वेरीफाई द रिलेशन कोफिशिएंट एंड देयर जीरो। इसमें बहुत आसान है, इसको गौर से आप लोग देखें। देखें यहां पर जीरो दिया है 2 और 6, हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, जिसमें आपका दो जीरो दिया है 2 और -6। बहुत आसानी से इसमें आप सेट कर सकते हैं, आप पहले भी निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरो आ जाएगा 2 प्लस -6 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 × −6 यानी −12 आ जाएगा। कितना होगा −12। इसमें पुट कर देना है x²- सम ऑफ जीरो के जगह पर −4 है तो −- क्या हो जाएगा +4x। प्रोडक्ट ऑफ जीरो −12 है यहाँ पर −12। यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सॉल्व हो गया। इसके बाद वेरिफिकेशन की जहां तक बात है तो वेरीफाई कर लेंगे। सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, जीरो दिया है, इसमें भी एक फॉर्मूला पर सेट कर लेंगे। सम ऑफ जीरो में देखेंगे सम ऑफ जीरो कोफिशियंट ऑफ माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरो हम लोग का कितना आया है अल्फा प्लस बीटा आया है −4। और यहां पर देखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है। इक्वेशन को हम लोग गौर से देखें एक बार। यहाँ इक्वेशन हम ऊपर में लिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। यहाँ पर देखें गौर से कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है, 4 है। माइनस लगा हुआ तो −4 दे दिए। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है बाय 1। गौर से देखें तो ये वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर −4 आया। जबकि दोनों जीरो को ऐड किए हैं तो फिर भी −4 आया, यानी ये दोनों साइड वेरीफाइड हो गया। तो ब्रैकेट में आप वेरीफाइड भी लिख सकते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो दो जीरो दिया हुआ है 2 × −6, दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए 2 × −6 −12 हो गया। सम ऑफ जीरो में हम लोग देखते हैं α × β सम ऑफ जीरो c/a होता है। तो c के जगह पर देखे हैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है −12 बाई कोफिशियंट ऑफ x² 1/1। अब यहाँ पर देखे दोनों प्रोडक्ट ऑफ जीरो −12 आया और यहाँ पर α × β का वैल्यू भी −12 आया, यानी ये वेरीफाइड आ गया। इस तरह से हम लोगों का यह जो है इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होगा उम्मीद है सब आप लोग बनाएंगे। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कुछ अलग से क्वेश्चन फिर हम देकर कल बताएंगे। ओके।